कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत टेमरू गांव के पुजारी पारा में आज से लगभग 2005-06 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत एक स्कूल निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह स्कूल नहीं बन पाया, जिसके चलते वहां पे पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चे को बारिश एवं धूप में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं टेमरू गांव के पुजारी पारा का स्कूल का प्रवेश द्वार है। 5-6 का बिल्डिंग है, लेकिन कुछ दिन बना है, बना के देखे बाद में फिर बंद किए हैं, अभी नहीं बना रहे हैं। तो हम और आप जब गए थे एक बार कलेक्टर मैडम के साथ पास, तो उसके बाद बन रहा था क्या बीच में? हाँ बन रहा था, फिर अभी फिर से बंद किए हैं। आपके साथ जिस दिन गए थे ना, उस दिन से बनना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। और घोटुल में पढ़ाते हैं क्या बच्चे लोग, बहुत दिक्कत लगता है। और बारिश और गर्मी में कैसे करते हैं धूप में? ओ बारिश आने से क्या इधर उधर गांव वाले खपरा खपरी को छा छा के भी कैसा कैसा तो बनाते हैं स्कूल, लगा के लगाना ही बोल के लगाते हैं। तो अभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? आते हैं पर अब बहुत कम आते हैं बच्चे। तो आपके बच्चे अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? यहीं पर आते हैं, कई बाहर हॉस्टल वगैरह में। तो क्या आप चाहेंगे ये भवन जल्द से जल्द बने? बने तो अच्छी है जी, बनने के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोंडागांव जिले के संबंधित कलेक्टर को फोन पर संपर्क कर इस अधूरे भवन को निर्माण कराएं, ताकि वहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो सके। कोंडागांव कलेक्टर का नंबर है 077-86-24-20-01। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।